वैसे तो आज हमारी शुरुआत है दिन की, लेकिन ये जो हमारे होटल के बाहर पार्किंग है यार, क्या चीज है, थोड़ी सी ना इंटरेस्टिंग है, थोड़ी डिफरेंट भी है। इधर आके देखो, पहले तो पहचान में ही नहीं आ रही थी कि ये चीजें क्या है। ये जो है ना, पीछे से कुछ भी पहचान में नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको साइड से देखा जाए तो ये तो लिमोजीन है भाई, पूरी पूरी रैप्टर को लिमोजीन बना रखा है। हाँ। यहीं से दिखा दूं, रैप्टर फोर्ड रैप्टर को लिमोजीन बना रखा है। यहाँ से साइड से एक बार दिखाओ कितना लंबा है, अभी आगे से भी दिखाऊंगा। फिर ये जो है पेट्रोल, निसान पेट्रोल बनी हुई है ये। यहाँ पे सारी गाड़ियां रेंट पे मिलती है, पिंक कलर। अरे ये तो पापा की परी की कार है, पापा की परी की कार है भाई। हाँ, पापा की परी की कार है। और फिर हमारी आ गई कैडिलैक, इधर यहाँ देख रहे हो तो डॉज चार्जर आ गई। वाह, वहाँ पे क्राइसलर, वहाँ पे फिर से डॉज, और ये सारी की सारी ये लिमो बनी हुई है भाई साहब, और क्या सुंदर लग रही है यार। लेकिन हाँ, कुछ जो लिमो नहीं चल रही ना, उनके देखो टायरों की भी हवा निकली हुई है। अब ये लिमो का साइज कितना है, एक बार जब साइड से जाके दिखाओगे एक बार यहाँ से ना, तो पता चलेगा कि लिमो का साइज कितना है, और ऊपर वाले कैमरे से अगर दिखाए तो ये देखो इतनी लंबी लंबी लिमो है यार यहाँ पे। ये चीज अच्छी लगती है मुझे, और सबसे बढ़िया ये चीज है पाजी की, इसके अंदर ना पार्टी वार्टी इतनी अच्छी से हो सकती है। बहुत बढ़िया, मजेदार। अब इनके देखो, ओहो ये देखो डॉज भाई साहब, ये आ गए हमारी क्राइसलर, ये आ गई हमारी ये डॉज, डॉज चार्जर। और यार ये है तो मसल कार ही, इसको बीच में से काट के ना एक्सटेंड कर देते हैं पाजी। हाँ। ऊपर से दिखाओ, देखो कितनी लंबी कार आगे से, इसको बीच में से काट के एक्सटेंड कर देते हैं। ये देखो, ये वाह, यहाँ मैं तो कह रहा हूँ एक बारी ना इसके गेट पे ना जरा आप चाबी लगाई दो। लगा देंगे, शाम को लगाएंगे, लेकिन शाम को लगाएंगे, ठीक है ना, तब घूम लेके जाएंगे। ये कैडिलैक एक्सेलरेट को बना रखा है, थोड़ी सी बाहर जाके दिखाओगे ना तो ये देखो यार फ्रंट इसका गाड़ी का। जिंदगी तो भाई साहब ऐसे कंट्रीज ही जी रही है, क्योंकि ना इनकी जो रोड्स बनी हुई है ना, वहां पे यहाँ से अगर दिखाई जाए तो मैं देखो कहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। और गाड़ी कितनी बड़ी है भाई, ये पूरी गाड़ी आ रही है भाई, पूरी गाड़ी ना हमारे कैमरे में आ तो नहीं रही, दूर से जाके लेके एक बार दूर से मैं ना कोशिश करता हूँ। ये देखो अभी भी पूरी नहीं आई, अब आ गई जी। ये यहाँ पे आराम से मुड़ जाएंगी, आराम से चल जाएंगी, गली मोहल्लों में जाती नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई देश ऐसे गरीब नहीं होता, यहाँ पे भी गली मोहल्ले हैं, बहुत करकट है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये देखो, ओहो एक्चुअली कार जो है ना, कार तो यहीं तक ही थी, डोर इसका ऐसे खुलता था, ये वाला जो देख रहे हो। ये दो शेख भाई थे ना, उनकी आपस में लड़ाई हो गई थी, उन्होंने बोला आधी आधी कर लो, दूर तू बैठेगा वहां, दूर नहीं बैठेगा यहाँ पे मैं बैठूंगा। नहीं, मेन बात सुनी नहीं आपने, उन्होंने आधी आधी करके ना बंटवारा कर लिया, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, तो जिसने आधी करके फ्रंट लेके गया, उसके पास इंजन था, उसने पीछे की बनवाई, और जिसके पास पीछे का हिस्सा था उसने इंजन लगवा के आगे की बनवाई। यहाँ पे इंजन भी मिल जाते हैं यार। हाँ, मिल जाते हैं। तो दो गाड़ियां बनी ऐसी, इतना एरिया एक्सटेंड है। अगर जैसे ये तो हमने कॉमन वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि खोल के भी नहीं दिखा रहे, इनको खोल के भी दिखा देंगे, बट देखो अगर एक्चुअल देखा जाए तो एक्सलेट कार कितनी बड़ी है। वो इसका फ्रंट आ गया, ये डोर आ गया, यहाँ पे एक और डोर होता है, और पीछे ये बैक होती है यहाँ से, ठीक है, ये वाला बैक होती है। इन्होंने क्या किया कि इसको फ्लैट कर दिया, इसको बिल्कुल बंद कर दिया डोर को, और यहाँ से ये एक्सटेंड बॉडी बना दी। इसके अंदर स्विमिंग पूल भी होता है, होता है, छोटे से लोग एक जकूजी भी लगवाते हैं इसके अंदर, तो टॉयलेट भी होता है भाई। हाँ नहीं, टॉयलेट का तो पता, तो स्विमिंग पूल का नहीं पता था ना। और इस लेकिन टॉयलेट रखा जाता है, पता है कहाँ, सबसे लास्ट में। हाँ। सबसे लास्ट में रखा था, उसका जो एक जो ड्रॉप वाला पोर्शन होता है ना, वो भी नीचे से हो जाता है। अच्छा ये देखो, यहाँ पे ये वाला डोर जो आगे होता है उसको ही स्विच कर दिया, पीछे शिफ्ट कर दिया। और अजी फ्लोर देखो, रनिंग बोर्ड जरा दिखा दो, जबरदस्त रनिंग बोर्ड, वाइड एंगल पे कर लो कैमरा अगर नहीं आ पा रहा तो। ये देखो ये क्या बात है, रनिंग बोर्ड ही इतना लंबा है, मतलब इतना लंबा रनिंग, हमारे पैर रख के बुरा कर सकते हो आप इस पे, छोटा बच्चा भाग सकता है अगर वो आ जाए तो उस पे। सही है ना। आओ चलो पाजी पीछे से देखें यार, कितना इंटरेस्टिंग वाला माहौल है ना, कि कैसे गाड़ियों को चेंज कर देते। वैसे होता है ये पंजाब में भी है, लेकिन इस क्वालिटी का काम नहीं होता, और वो क्वालिटी पंजाब में होता है ना, टाटा सफारी को लंबा करते हैं, टाटा सफारी वगैरह नहीं, कुछ मर्सिडीज ओल्ड मॉडल को भी लंबा कर दिया पंजाब में। एक चीज की मॉडिफिकेशन सबसे ज्यादा है, स्प्लेंडर की। और या तो जीप वगैरह देख लो या फिर कुछ और। तो ये पूछे, ये भाई का हमारे ये कहे कोई सा, अभी जान पहचान निकाल लेंगे इनसे भी, ये इनका यहाँ की वेबसाइट है, निकाल लेंगे। नहीं है, हुसैन भाई के अपने कजन है, उनकी है सारा सिस्टम। ये जो है ना, ये पिंक कलर की कार मुझे, ये पापा की परी की कार है पाजी, बहुत पाजी। कैमरा वाइड एंगल पे कर लो पूरा, और जरा ये वाले पोर्शन से चले जाओ आगे। ये ना, ये पापा की परी की कार है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ी शानदार बनी हुई है, बढ़िया लग रही है यार। ओ वाओ,
क्या कार खत्म ही नहीं हो रही है, मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो ट्रेन की बोगी से भी बहुत बड़ी है। हाँ। और इसका जो कलर है ना, भाई मजाक नहीं, मजा आ गया जीएमसी को देख के। क्या कलर है मतलब। अच्छा मैं, हमने वैसे अमेरिका के अंदर देखी है जो सिडान है ना उनको लिमो बना दिया जाता है, ठीक है, वो लिमोज होती है। यहाँ पे एसयूवी को बना दिया, बिल्कुल हार्ड रोड, बड़े बड़े ट्रक है इनको, इनको इन्होंने लिमो बना दिया यार। जीएमसी आपको पहले पता है इंडिया में भी चलते थे ट्रक? हाँ ट्रक चलते ना, चलते थे जीएमसी। याद है निसान पेट्रोल? निसान पेट्रोल एक नॉर्मल सी कार है, लेकिन एक बात इसमें कहते हैं पाजी की, प्लेन को भी खींच सकते हैं पाजी। यस, इसकी खासियत मैं अभी बताने वाला था मगर आपने पहले ही बोल दी। दिखा दो इसकी खासियत, मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसी गाड़ी है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि ट्रैक पे प्लेन को खींचती है, प्लेन को खींचती है, प्लेन को। अरे आप यूट्यूब पे सर्च करें निसान पेट्रोल और प्लेन का कॉम्बिनेशन, फिर देखें आप ये कितने प्लेनों को खींच के दिखाएगी आप। भाई साहब ये गाड़ी खींच देती है, बहुत लंबी कार है, बहुत लंबी कार है। अब अगर इसी के साथ में देखो मेरे को ना ये फोर्ड रैपो, ये पता है ये खूबसूरत चीज लगती है, मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ इसे। एक इसलिए मैं ना इसको ये जो है ना मेरा मतलब, वो कहते हैं ना आखिरी मोटी, मैं आखिरी गाड़ी जो लूंगा ना, मतलब जिसपे मेरे को संतुष्टि हो जाएगी वो ये है, ये ये। और एक और चीज में एक और बताऊं कि इतनी ऐसे जो मॉडिफिकेशन है ना वो कुछ अटपटंगी नहीं है इनकी। जैसे देखो ये हुड स्कूप वगैरह भी लगाए हैं, तो पूरा का पूरा अगर कार को, तो अभी हम फ्रंट से दिखा रहे हैं पाजी, ये वाले एंगल से अगर कैप्चर करो ना तो पता चलेगा पूरा हाई लिफ्टेड, इतने बड़े बड़े व्हील्स, कितना बड़ा व्हील है ये, आपके आपके कमर से थोड़ा सा नीचे आ रहा है। 305 का है ये, 7 ये है, 121। अब इन्होंने पता नहीं किस सीरीज के अंदर नाम लिख रखा है यार। नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये है ये जो है ना 305 70 R1, ये है इसका टायर। नहीं वो तो है, लेकिन पाजी ये इंचेस कितना है, तो बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ही है हमारे, वो हमारे बस से बाहर हो रहा है। आप यहाँ तक बता दो कि 25 इंच का ही है व्हील, ये आराम से यहाँ से देखे ना तो मेरी थाई तक आ रहा है। 25 इंच का व्हील लगा हुआ है कार में, और ये ऐसा भी नहीं है, एक और फन फैक्ट है इसमें मैं बताऊँ पाजी, ये कार बना रखी है लिमोजिन, लेकिन इनके व्हील्स ऑफ रोडिंग वाले रख रखे हैं। ऑफ रोडिंग वाले हैं, क्योंकि अगर ये ऑन रोड वाले व्हील होते ना तो इनका जो रिम है ये बड़ा होता और टायर पतला होता। दुबई में कई बार क्या होता है ना, गाड़ी रेत में फंस जाती है। अरे इनको कहाँ फंसाओगे। आओ जरा दिखाओ, एक्सटेंड ही हो रही है, एक्सटेंड ही हो रही है। ये ऑटो वाला जरा ज्यादा खुश है हमसे, आ जा रहा है बाबा, ये कूड़ा उठाने वाले लोग हैं। और अच्छा इन्होंने DNA पाजी सेम रखा है, देखो जो एक रैप्टर दिखा देता हूँ, देखो ये रैप्टर का, ये पढ़ते हो चलो रैप्टर, यहाँ वहां से जाके दिखाओ पाजी। डीएनए का जो डीएनए है ना, सॉरी रैप्टर का जो डीएनए है ना, वो क्या है, ये है पिकअप, ठीक है, इसको पिकअप ही रखा हुआ है। आप पिकअप लिमोजिन बनाई लेकिन विद पिकअप बनाई, ये जब सिटी टूर के लिए बुक होती है या कई बार ये लॉन्ग ड्राइव के लिए भी बुक होती है, तो लोग जो है ना अपना खाने पीने का सामान वगैरह इसी में रखते हैं, तो ये इस तरीके से बनाया हुआ है। और ट्रेलर वगैरह के लिए देखो सारे पोर्ट भी हैं यहाँ पे, ये आगे सॉकेट आपका पावर, ये आगे आपका ब्रेक और उसके लाइट्स वगैरह के आगे, ठीक है, तो सारे सारे सॉकेट पीछे भी मिल जाते हैं। वाह यार ये क्या, इसके अंदर ना बंदा अपना ना सीना चौड़ा करके खड़ा भी हो सकता है। ये दिखाओ इसके व्हील आर्चेस दिखाओ, तो बस टाइप है, ये लिमोजिन बस है, इसके व्हील आर्चेस देखो, ट्रक है एक्चुअली। अजी टायर दिखा दो, टायर क्रोम तो है क्या रिम, लेकिन टायर देखो, टायर दो है पीछे, जबरदस्त है, दो व्हील तो यहाँ हुआ है। ये देखो डोर क्लैक, ये देख लो भाई रनिंग बोर्ड क्या है। अच्छा एक और डिफरेंस, एक चीज दिखाता हूँ, इसका पेंट दिखाओ पाजी थोड़ा पास से, रेड कलर के ऊपर स्पार्कल है, स्पार्कल किया हुआ, कुछ डिफरेंट है, बहुत जबरदस्त लग रहा है ना। तो वीडियो हमारा ज्यादा लंबा नहीं हो जाए तो इसलिए हम सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहे हैं, इसकी डिटेल बताएंगे बाद में, लेकिन जो कार है वो बहुत ही अच्छी सी बड़ी सी लग रही है। ये ट्रक यूज किया हुआ है भाई, ये सुपर ड्यूटी ट्रक है भाई साहब, ये जो ट्रक है ना सुपर ड्यूटी ट्रक है, इसको भी लिमो बना रखा है। यहाँ पे क्या है कि ये जो कंपनीज है ना ये रेंट पे देती है, छोटे मोटे आप पैसे देके ये कार रेंट कर सकते हो, हम भी करेंगे आए हैं तो। बाकी मजा आ गया ये देख के, तो ये है हमारा बिजनेस का सेकेंड डे, हम यहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं अपना दुबई के अंदर। अगर आपको ये बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो आपका फायदा हो जाएगा, इसके लिए हमारी एक सीरीज चल रही है, देखना ना भूलें, हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। बोलो भाजी हमें जरूर सब क्या बोले, लाइक सब्सक्राइब शेयर, लाइक देखो मैं बिना बोले बोलूंगा लाइक, अब बोल भी रहे हो, चलो ठीक है कर लेना, और कर लेना। दूसरी चीज ये कि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ना अभी तो हमारे पास ना भरमार है, मजा ही आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।